हाय एवरीवन वेलकम टू स्कोर प्लस दिस इज शैलेन्द्र पांडे योर फिजिक्स मेंटर प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में बताया था रेजिस्टेंसिस के बारे में बताया था कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग वहीं से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स लेंथ जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा जितना कम लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा सिमिलरली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल

करता है वो है टेंचर ऑफ द कंडक्टर आप सबको मैंने ये बात बात बताया था कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर की बात करें तो टेपरेचर को इंक्रीज करने पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है जबकि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो ऑन कंबाइनिंग दीज टू तो रेजिस्टेंस विल बिकम प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटे तो जरा ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए प्रपोर्शनलिटी का प्यारे बच्चों अगर ये साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है रो तो फार्मूला हमारे पास बन गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ये हमारा फार्मूला बना जिसमें ये जो रो है प्यारे बच्चों ये रो आपका प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट इज प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इसी रो को प्यारे बच्चों हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए पोर्सनैलिटी कांस्टेंट कहिए रेजिस्टिविटी ये एक ही बात है सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ये हमारा ओवरऑल जनरल फार्मूला यहां पर निकल करके आ गया है रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए रेजिस्टेंस का प्यारे बच्चों यूनिट आप सबको पता है इसका यूनिट होता है ओम और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का आप सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी आपने ये फॉर्मूला देखा कि भाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है तो आप कहोगे सर अगर इस फॉर्मूले में लेंथ की वैल्यू को वन मीटर ले लिया जाए एरिया को वन मीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो सर ये वन तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी तो आप ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज वन मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया तो प्यारे बच्चों इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है अब देखो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज वन मीटर लॉन्ग एंड वन मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर लेंथ वन मीटर हो क्रॉस सेक्शनल एरिया वन मीटर स्क्वायर हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके अगर यूनिट की हम लोग बात करें क्योंकि रो इज इक्वल टू आर ए है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर तो मीटर से मीटर हुआ कैंसिल और यूनिट इसका हो गया ओम मीटर रेजिस्टिविटी का प्यारे बच्चों यूनिट आपसे कभी भी पूछा जाए तो यू कैन राइट इट एज ओम मीटर देखो एक चीज यहां पर समझिएगा रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जब तक कंडक्टर का मटेरियल या उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लेकिन इन चारों प्रोसेस का रेजिस्टिविटी पर प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर मटेरियल और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी और अगर हम लोग यहां रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर कंडक्टर की ज्योमेट्री कैसी है मतलब उसका लेंथ क्या है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है एज वेल एज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है मटेरियल एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है भाई लेंथ एरिया मटेरियल और टेम्परेचर लेकिन अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी तो इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर हमने कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया तो बताओ जरा इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा नो चेंज विल बी नो चेंज आपसे कहा जाए हमने एरिया को घटा दिया बताओ रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगेन आंसर इज नो चेंज कोई फर्क सर नहीं पड़ेगा ठीक है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा तो देखो लिखा हुआ है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस थिकनेस का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ना तो लेंथ पर डिपेंडेंट है ना ही उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंडेंट है तो प्यारे बच्चों डिपेंड किस पर करता है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर सब्सटेंस का नेचर क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है उस पर केवल डिपेंड करता है अगर मैं टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी आपको बताऊं तो जरा चेक करिए इसका फॉर्मूला है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी जहां पर ये जो रो टी होता है इट इज रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस रो नॉट क्या होता है इट इज रेजिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस अल्फा क्या होता है अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी और प्यारे बच्चों डेल्टा टी क्या है ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर गाइस रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस सो वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि ये बात कंडक्टर के लिए चल रही है और कंडक्टर के लिए मैं आपको बताऊं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है जबकि सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव होता है फॉर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर की अगर बात हो तो अल्फा कैसा होता है निगेटिव होता है लेकिन कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा फॉर कंडक्टर्स तो ये चीज हमें समझ में आया कि टेंपरेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेगा लेकिन के केस में मामला उल्टा है बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगी सिमिलरली रेजिस्टेंस भी घटेगा इनवर्स उल्टा हो जाएगा वहां पे क्लियर आ जाइए रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह के मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और किस तरह के मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है तो प्यारे बच्चों अलॉय के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा अलॉय अलॉय का होता है, एक में, ताकि हमको एक लेकिन आपको पता है, उसमें जंग बहुत लग जाती है इसलिए लोहे के बर्तन हम लोग यूज नहीं करते तो हम लोहे में और भी कुछ मटेरियल को मिलाते हैं ताकि स्टील बन जाए स्टील चमकदार भी होता है उसमें जंग नहीं लगता और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो so, ऐसे सब्सटेंसेस को प्यारे बच्चों हम लोग अलॉय कहते हैं विच आर मेड सर्टेन कुछ मेटल्स को मिला करके अलॉय बनता है रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय इज मच मोर हायर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम विच इट इज मेड जिस मेटल से मिलाकर के आप अलॉय बनाते हो ठीक उस मेटल से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है अलॉइस की होती है सो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉइस इज वेरी मच ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल अलॉयज की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपैरिजन में प्यारे बच्चों काफी ज्यादा होती है देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रेजिस्टिविटी ऑफ़ द मैग्नीन मैग्नीन क्या होता है इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीज एंड निकिल कॉपर सी यू मैगनीज एम एन और सी यू सॉरी निकिल एन मैग्नीज और निकिल को सर्टेन रेशियो में जब आप मिलाओगे तब मैग्नीज बनेगा लेकिन मैटर यह है कि कॉपर मैग्नीज और निकिल इन तीनों से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है मैग्नीज की होती है और कितने गुना होती है ट्वेंटी फाइव टाइम्स किसके कंपेरिजन में कॉपर के कंपेरिजन में मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द मैगनिन इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर तो रेजिस्टिविटी भाई साहब किसकी ज्यादा हुई मैगनेन की यानी कि अलॉय की बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉन्स्टेंटेन भी अलॉय है इज एन अलॉय ऑफ कॉपर कॉपर एंड केवल और को मिलाया जाए मैग्नीज मिला दोगे तो मैग्निन बन जाएगा ठीक उसकी रेजिस्टिविटी होती है पच्चीस गुना लेकिन अगर आपने कॉपर और केवल निकिल को मिलाया है और कॉन्स्टेंटेन बनाया है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितने गुना होती है 30 गुना होती है इन कंपैरिजन टू प्योर कॉपर मेटल कॉपर के कंपैरिजन में पच्चीस गुना रेजिस्टिविटी है मैगनिन की और तीस गुना रेजिस्टिविटी है किसकी कॉन्स्टेंटिन की ऐसे ही नाइक्रोम भी एक अलॉय होता है जिसकी रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में साठ गुना होती है सिक्सटी टाइम्स नाइक्रोम नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बनता है ना इलेक्ट्रिक आयरन होता है या हीटर होता है आपने देखा होगा उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है वो नाइक्रोम की होती है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी साठ गुना ज्यादा है सिक्सटी टाइम्स कॉपर से ज्यादा है ठीक रेजिस्टिविटी के बारे में और देखते हैं द हीटिंग एलिमेंट जो कि हीटिंग क्वाल में यूज होता है चाहे वो हीटर हो पानी गर्म करने वाला हो है ना बॉयलर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग सच दैट इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल आप उसको अलॉय से बनाते हो मेटल से नहीं बनाते हो उसके कारण है कारण दो है हमारे पास पहला मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम है अलॉयस की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है और प्यारे बच्चों जिन ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा बोलो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतना ज्यादा डेवलप होगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में उतना ज्यादा रुकावट करंट से उतनी ज्यादा मारपीट होगी और जितनी ज्यादा मारपीट होगी बोलो गर्मा गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी है ना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा तो वो ज्यादा हीट डेवलप करेगा इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट प्योर मेटल इज द फर्स्ट रीजन दूसरा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इन एलिमेंट का जब आप बात करते हो अलॉयज का तो अलॉइय का ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है दे ड नॉट अंडर गो ऑक्सीडेशन और यू कैन से देर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई और बर्न ईजली इवन एट हाई टेम्परेचर वेन इट इज रेड हॉट रेड हॉट भी हो जाए एकदम लाल लाल हो जाए जल करके जल्दी मेल्ट नहीं होता जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता और रेजिस्टिविटी इसका काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हीट भी काफी ज्यादा डेवलप होता है और बोलो हीटर हो टोस्टर हो इलेक्ट्रिक आयरन हो सभी में काम क्या है हीट डेवलप करना इसलिए प्यारे बच्चों वहां पर आप लोग अलॉय यूज करते हो जबकि इस तरह का मेटल आप यूज नहीं करते हो अब देखो क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल हमसे बोला गया अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर एरिया है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ टू इंटू टेन की पावर माइनस टू ओम्स कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर अच्छा जी देखो भाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है तो रो यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है आर ए बाई एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस हमारा है टू इंटू टेन की पावर माइनस टू तो टू इंटू टेन की पावर माइनस टू यह तो हो गया रेजिस्टेंस अब बात करते हैं एरिया की तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई लेंथ और लेंथ कितना है हमारा दो मीटर तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा और रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी 1.7 पॉइंट सेवन की पावर 8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ना ओम मीटर सो दैट इज आर आंसर ये हमारा आंसर है इज इट क्लियर सिंपल एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बस यूनिट लिखना मत भूलिएगा यूनिट आप भूल गए भाई साहब तो नंबर गए आपका अगला देखो

और अगर लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला है आर ए बाई रो तो जरा चेक करो रेजिस्टेंस है टेन ओम टेन ओम एरिया कितना है अगर डायमीटर बेटा पता है देखो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर लेकिन अगर डायमीटर पता है तो आप रेडियस को बोलो डायमीटर बाई टू लिख सकते हो तो उसका भी अगर आप स्क्वायर कर तो डायमीटर के टर्म्स में प्यारे बच्चों फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई फोर डी स्क्वायर बाई फोर रख दो यहां पर पाई डायमीटर पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव में टेन की पावर माइनस थ्री का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर में जाएगा ठीक पाई डी स्क्वायर बाई फोर और रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी कितनी है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी माइनस एट ओ मीटर Clear? इसी को मुझे क्या करना है इसी को मुझे सिंप्लीफाई करना है और जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर ठीक आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि भाई सॉल्व होकर के लेंथ की क्या वैल्यू निकल करके आती है फोर से टेन को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा टू पॉइंट फाइव तो ये बन जाएगा देखो टू पॉइंट फाइव पाई पॉइंट फाइव का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव का स्क्वायर टेन की पावर माइनस थ्री का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो टेन की पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस एट और प्यारे बच्चों अगर ये टेन की पावर माइनस एट यहां से गायब होकर अगर ये ऊपर चला जाए ऊपर था माइनस सिक्स माइनस एट ऊपर गया तो ऊपर क्या बचेगा टू टेन की पावर टू का मतलब ये हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आप लिख सकते हो दिस इज ट्वेंटी फाइव उसको भी फाइव लिख सकता हूं इंटू पाई डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव पाई अपॉन सिक्सटीन यही हमको सॉल्व करना है और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए क्या आएगा खोलते भाई हम लोग कैलकुलेटर है ना 25 फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी होता ही है और 625 ट्वेंटी फाइव इंटू पाई अपॉन सिक्सटीन तो इंटू पाई यानी 3.14 पॉइंट वन फोर अपॉन सिक्सटीन वैल्यू आ गई वन ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स सिक्स वन ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स सिक्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आएगा 122.66 और यूनिट हम लोग ले जाएंगे मीटर में क्योंकि हमने सब कुछ SI यूनिट में सॉल्व किया है ना इट क्लियर प्यारे बच्चों आप लोग कैलकुलेशन अपने आप करिएगा और क्रॉस चेक करिए आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है क्लियर नेक्स्ट हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड अगर डायमीटर को हम लोग डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा तो बेटा रेजिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू रो एल बाई ए और डायमीटर के टर्म्स में एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई फोर फोर जाएगा ऊपर इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर अगर आप डायमीटर को डबल करोगे तो नीचे फोर होगा मतलब रेजिस्टेंस विल बिकम वन बाई फोर सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी वन बाई फोर ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस कितना था ओम तो वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी आ गई टू पॉइंट फाइव ओम डायमीटर को आपने डबल किया रेजिस्टेंस हो गया वन बाई फोर यानी कि टू पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया सिक्स ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड फोल्डिंग, फोल्ड करके डबल किया गया कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो देखो भाई ये हमारा वायर था ए बी इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस था आर इसका अपना कुछ लेंथ था एल और इसका अपना कुछ एरिया भी था ए ये था। हमने इसको क्या किया हमने इसको डबल अप कर दिया बाई फोल्डिंग फोल्डिंग का मतलब होता है ऐसा आपने इसको घुमा के आधे से आधे से घुमाकर ऐसे डबल कर दिया तो बोलो लेंथ कितना हो जाएगा एल बाई टू ठीक एरिया कितना हो जाएगा टू ए डबल तो अब हमें पूछना है रेजिस्टेंस तो भाई देखो पहले रेजिस्टेंस था ना रो एल बाई ए और अब रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो जाएगा लेट अस सपोज अब है आर डैश तो रो लेंथ अब कितना है एल बाई टू और एरिया कितना है टू ए तो प्यारे बच्चों अगर दोनों को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा पहले तो ये बन जाएगा एल अपॉन फोर ए ठीक अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लू ये आर डैश की वैल्यू है और हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेशन थ्री बाई इक्वेशन वन जैसे ही आप डिवाइड करोगे यह बनेगा आर डैश बाई आर आर डैश बाई आर रो से रो कैंसिल एल से एल ए, ए से सब कैंसिल हो गया आर डैश की वैल्यू आ गई वन बाई फोर तो रेजिस्टेंस हो गया प्यारे बच्चों आर बाई फोर यानी कि अगर पहले था सिक्स ओम तो अब हो गया सिक्स बाई फोर यानी कि वन पॉइंट फाइव ओम देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बेटा लेंथ को अगर तुमने आधा किया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता लेकिन वो तब वैलिड था जब हम ये कहते कि एक वायर ये है जिसका लेंथ एल है दूसरा वायर ये है जिसका लेंथ एल बाई टू है दोनों सेम मटेरियल के हैं अब बताओ अगर उसका रेजिस्टेंस है छह ओम तो नीचे वाले का कितना होगा आप बोलते सर तीन ओम क्योंकि लेंथ आधा हुआ तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा बिकॉज आर टू ट्वेल्व होता है लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां पर यह वायर अलग था यह वायर अलग था सेम मेटल के दो वायरस थे अलग अलग यहां क्या किया गया एक ही वायर को घुमा करके आधा लेंथ कर दिया एरिया डबल हो गया तो प्यारे बच्चों क्योंकि लेंथ में चेंज हुआ एरिया में भी चेंज हुआ इस वजह से यहां पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो बाई फोर हो गया यानी ओम हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ थ्री हंड्रेड मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वन एम एम स्क्वायर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी दिस इज अच्छा जी रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है रो एल बाई ए रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों कितना है वन इंटू टेन की पावर माइनस सेवन लेंथ कितना है तीन सौ मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वन एमएम स्क्वायर और एमएम mm में अगर मैं टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर बनेगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यह एमएम स्क्वायर था ना तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा कितना आया 10 की पावर माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन की तो पावर सिक्स बच्चों कितना बन गया दिस इज देखो ये दो और ये छह आठ हो गया और ये तो ये बनेगा इन टू टेन टेन का मतलब थर्टी ओम थर्टी ओम जैसा हमारे पास ऑप्शन है यस द करेक्ट ऑप्शन इज डी डी इज द करेक्ट ऑप्शन जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड ये तो अभी हम लोगों ने किया था कि भाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर अगर डायमीटर को डबल करोगे रेजिस्टेंस विल बिकम वन बाई फोर्थ तो इट विल बी डी ऑप्शन अच्छा जी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने खूब देख लिया रेजिस्टिविटी के बारे में देख लिया रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता लेंथ को चेंज करो तो रेजिस्टेंस का क्या होगा एरिया को चेंज करो तो रेजिस्टेंस का क्या होगा ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया अब आगे कि सर अगर हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है तो सर हम कैसे कंबाइन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन केवल और केवल दो तरीके से हो सकता है अगर आप लाइन से ऐड करोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक के ऊपर एक इस तरीके से अगर आप करोगे तो तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है क्लियर रेजिस्टेंस का का कितने तरीके का हो सकता है दो तरीके का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का प्यारे बच्चों मतलब क्या है पहले तो समझ लो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे ये एक हमारा रजिस्टर था यहां से लेकर यहां तक ठीक दूसरा रजिस्टर था यहां से लेकर के यहां तक पहले का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट अगर जोड़ दिया जाए एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग अगर जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग लेकिन अगर ये देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये इसका एंडिंग पॉइंट है नीचे वाले का देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये एंडिंग पॉइंट है दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ा दोनों के एंडिंग पॉइंट को जोड़ा मतलब अगर रेजिस्टर को दो पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसे लगाया जाएगा तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है दूसरा जो मेन मेथड है जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो ये है कि अगर इसमें करंट जा रहा है तो चेक करो जो करंट आर वन में जाएगा बोलो वही करंट आर टू में जाएगा इसका मतलब सीरीज के केस में सेम करंट फ्लो होता है सीरीज़ के केस में सेम करंट फ्लो होता है बट जब करंट इसमें जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी वन बराबर आई आर वन और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू बराबर आई आर टू मैंने आपसे कहा था वी बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ बस ये बोला था ये ध्यान रखना जो रजिस्टर है उसी का करंट होना चाहिए उसी का वोल्टेज होना चाहिए तो वी वन बराबर आई आर वन वी टू बराबर आई आर टू यहां पर मैटर क्या है इसका वोल्टेज वी है उसका वोल्टेज V2 है मतलब करेंट तो सेम है बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा ये सीरीज को पहचानने का प्यारे बच्चों तरीका है कि अगर करंट सेम जाए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और बात करते हैं जरा पैरल कॉम्बिनेशन का तो जरा चेक करो अगर आई करंट यहां लाओगे तो डिवाइड होगा आई वन इधर जाएगा और आई टू करंट इधर जाएगा इसका जो वोल्टेज है वो वी बराबर आई वन आर वन इसका जो वोल्टेज है वो वी बराबर आई टू मतलब अगर हम लोग बात करते हैं पैरल का तो इस बार सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बट डिफरेंट करंट होगा तो प्यारे बच्चों अगर करंट सेम है तो सीरीज और अगर करंट अलग अलग हो गया तो पैरेलल। ये तरीका है सिंपल अब आ जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर नेटेड एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली आर सेनेटेड इन सीरीज एंड टू एंड जोड़ोगे एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जोड़ जाए टू एंड तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है और प्यारे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में जरा ध्यान से समझिएगा अगर मैं यहां पर एक सेल कनेक्ट कर दू एक स्विच कनेक्ट कर दू ठीक तो देखो जरा यह सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया अब यह सेल क्या करेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है यह सेल अपने पॉजिटिव से बोलो करंट देता है पॉजिटिव से करंट देगा और वो करंट यहां पहले आर वन में जाएगा फिर वही सेम करंट आर टू में जाएगा और फिर वापस चला जाएगा सेल का एक नेचर होता है अपने प्लस से जितना करंट देता है वह घूम फिर के अपने माइनस में उतना ही करंट वापस ले लेता है और यहां पर यहां पर अगर हम लोग देखें तो डिवाइड क्या चीज हुई देखो करंट तो सेम है करंट तो सेम है तो बेटा डिवीजन किस चीज का हुआ वोल्टेज का टोटल वोल्टेज सेल का कितना था V तो आप कहोगे सर V बराबर वी वन प्लस वी टू तो. देखो जिस चीज का डिवीज़न हो प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन हमेशा उसी का लिखा जाता है और यहां पर डिवीजन हुआ है वोल्टेज का तो हम लोगों ने वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा कि वी बराबर वी प्लस, वी टू, और वी वन की वैल्यू जरा चेक करो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर वन इसमें जाने वाला करंट कौन है आई इसका रेजिस्टेंस कितना है आर वन दूसरे के लिए देखो उसका करंट कितना है आई और उसका रेजिस्टेंस कितना है आर टू ठीक ठीक और अगर प्यारे बच्चों अगर इन दोनों रजिस्टर्स की जगह मैं एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं जिसको हम लोग बोलेंगे आर इक्वी वेलेंट आर इक्वी वेलेंट वही सेल है वही की है वही करंट है बस दो रजिस्टर्स थे इसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर को हमें यूज करना था अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि जरा बताओ मुझे इन दो रजिस्टर की जगह अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर चाहूं जो कि वही उतना करंट ले जितना ये दोनों मिलके ले रहे थे दोनों मिलकर के बोलो आई करंट निकलवा रहे थे इस सेल से वही आई करंट देखो यहां भी निकल रहा है तो ऐसे रजिस्टेंस को बेटा बोलते हैं इक्वी रजिस्टेंस मतलब जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे वो काम वो अकेला करेगा ठीक तो उसके लिए अगर मैं लिखूं तो करंट देखो इसमें भी आई जा रहा है लेकिन इसका रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट पूरे में से आई कॉमन करो तो कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आएगा आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू हमारा प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ गया बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा आर वन प्लस आर टू ऐसे ही अगर तीन रेजिस्टर्स को आप जोड़ दोगे तो फार्मूला आ जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये है और ये देखो आपने एक सेल जोड़ा एक स्विच जोड़ा स्विच को क्लोज किया मतलब करंट फ्लो होने वाला है ये प्लस है ये माइनस है इधर से आई करंट जाएगा इसका रेजिस्टेंस आर वन इसका रेजिस्टेंस आर टू इसका रेजिस्टेंस थ्री और चेक करिए क्योंकि तीनों में सेम करंट जा रहा है इसलिए ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है फिर से हम वही बात करेंगे कि सर वी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री टोटल वोल्टेज वी था उसमें से V1 गया इसमें V2 गया इसमें और V3 गया इसमें वैल्यूज अगर हम रखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लो आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री और इन तीनों की जगह अगर एक सिंगल ले आएंगे तो बन जाएगा आई आर तो प्यारे बच्चों देख लो फार्मूला फिर से आ गया आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वीवेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समय इंडिविजुअलो दो ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है चार ओम का तीसरा रेजिस्टेंस है छह ओम का और हमसे कहा जाए कि इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया बताओ इक्वीवेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो दो प्लस चार प्लस बारह ओम ट्वेल्व ओम सिंपल और एक चीज और ध्यान देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन आर वन आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन R3 थ्री ऑल्सो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R1 R2 R3 या जितने भी रेजिस्टेंस आपने जोड़े होंगे उन सब से ज्यादा आएगा सबसे ज्यादा आएगा क्लियर तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और प्यारे बच्चों जरा समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है इन दो पॉइंट्स के बीच में जब आर वन आर टू दोनों को जोड़ा गया है देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दे बिकम पैरेलल टू वन एन एक दूसरे के पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हैं या कह लो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट दोनों के एंडिंग से जुड़ा हुआ दोनों से है दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हैं दोनों सेम के बीच में है इसलिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है पैरल में क्लियर है और पैरेलल में यही इक्विवेलेंट का जब हम लोग फॉर्मुला निकालते हैं बेटा तो ये आता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस बाई आर टू मैं इस चीज को आपको यहां पर देखो डिराइव करके दिखा रहा हूं अगर एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये है सीधे देखो तीन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं तीन का मैं सॉल्व करके बता दूंगा एक दो रेजिस्टेंस वाला तो आप अपने आप कर लेंगे है ना उसमें कुछ नहीं है ये देखिए ये एक सेल हमने कनेक्ट किया यह उसका प्लस है यह उसका माइनस है यहां से आई करंट निकलने वाला है यह रेजिस्टेंस आर वन है यह अपना रेजिस्टेंस आर टू है यह रेजिस्टेंस आर थ्री है जैसे ही यहां से करंट आया जब करंट यहां पहुंचा तो अब करंट डिवाइड हो गया बेटा आई वन इधर आई टू इधर और आई थ्री इधर करंट का डिवीजन हो गया इधर से आई वन आया इधर से आई टू आया इधर से आई थ्री आया तीनों यहां पे वापस जुड़ गए और इधर वापस करंट फिर से कितना गया आई तो ये मैंने कहा था सेल का नेचर होता है कि अपने प्लस से जितना करंट देगा माइनस में उतना ही करंट वापस ले लेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर डिवीजन हुआ करंट का तो हम लोग कहेंगे आई बराबर वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और करंट आई की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप कहेंगे सर दैट इज वी बाई आर इक्विवेलेंट वी बाई आर वन वी बाई आर टू वी बाई आर थ्री ऐसा मैंने क्यों लिखा है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में Paralel में जो पोटेंशियल सेल का था वो पूरा का पूरा इसको भी मिला पूरा का पूरा इसको भी मिला पूरा का पूरा इसको भी मिला क्योंकि सेल के प्लस और माइनस से जरा चेक करो ये दो पॉइंट्स जुड़े थे सेल के प्लस से जुड़ा था ए सेल के माइनस से जुड़ा था बी इसी ए और बी से ये भी जुड़ा है इसी ए और बी से ये भी जुड़ा है इसी ए और बी से ये भी जुड़ा है क्योंकि तीनों सेम पॉइंट से जुड़े हैं इसलिए तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वी बाई आर इक्विवेलेंट बराबर वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री वी की वैल्यू वी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अब आप सोचो अगर आपसे कहा जाए एक रेजिस्टेंस है दो ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है छह ओम का ये दोनों बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है जरा बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा तो आप कहोगे सर वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स एलसीएम लो जरा वन बाई आर इज इक्वल टू एल्सियम आया सिक्स यहां पर आएगा थ्री यहां पर आएगा वन तो आप कहोगे सर यहां से वन बाई आर की वैल्यू आ रही है फोर बाई सिक्स तो आर की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स बाई मतलब मतलब वन पॉइंट फाइव ओम ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वन पॉइंट फाइव ओम वो टू से भी छोटा है और वो सिक्स से भी छोटा है मतलब क्या हुआ कि अगर आप बात कर रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट दैट विल बी लेस देन आर टू ऑल्सो दैट इक्विवेलेंट विल बी लेस देन आर थ्री ऑल्सो जो कि आपका आर वन आर टू और आर थ्री इन तीनों से ही कम है तीनों से कम है R1, R2, R3 तीनों से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कम है आइए आगे बढ़ते हैं इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं इफ फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू वन ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो भाई सीरीज में फॉर्मूला होता है ना आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर चार रेजिस्टेंसेज है एक एक ओम का तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया प्यारे बच्चों फोर ओम नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एनदर रेजिस्टेंस ऑफ फोर ओम अच्छा जी ये सिक्स ओम मान लो और ये सीरीज में जोड़ा फोर ओम मान लो ये सिक्स ओम है ये मान लो फोर ओम है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया भैया कितने का 20 वोल्ट का कैलकुलेट करेंट थ्रू सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस सिक्स ओम रजिस्टर कह रहे हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बता दो और पूरे सर्किट का करेंट बता दो तो जरा ध्यान से देखो ये किसी भी सेल का बड़ा वाला प्लस और बगल वाला माइनस यहां से आई करंट निकलेगा वो आई करंट इसमें भी जाएगा वही इसमें भी जाएगा और वही वापस चला जाएगा तो एक चीज मुझे बताओ ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है? है ना अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल लगाए तो क्या वो सिक्स प्लस फोर यानी कि टेन ओम आ जाएगा यस सर टेन ओम बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया अब आप इस पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाओ पूरे सर्किट के लिए अगर मैं पूरे सर्किट के लिए ओम लॉ लगा रहा हूं तो बोलो पोटेंशियल भी पूरे सर्किट का होगा और वो कितना है ट्वेंटी वोल्ट करंट भी पूरे सर्किट का होगा और वो करंट यहां पर कितना है आई लेकिन रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना था टेन ओम तो बेटा करंट की वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाई यानी कि टू एम्पियर कितना करंट यहां से निकला भाई एम्पियर का करंट यहां सेल से निकला है और वो दो एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है अब हमसे कहा गया सिक्स ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो अगर पोटेंशियल डिफरेंस केवल सिक्स ओम वाले का चाहिए देखो राम बाल फॉर्मूला सिर्फ एक है यहां पर केवल एक फॉर्मूला है वी बराबर आई आर ठीक अगर V बराबर आई आर अप्लाई करना है तो आपको करंट भी चाहिए सिक्स ओम का सिक्स ओम में बोलो कितना करंट जाएगा 2 ampere. और रेजिस्टेंस इस बार ओम का होगा तो वोल्टेज कितना हो गया बारह वोल्ट मतलब टोटल था बीस 20 वोल्ट 20 में से बारह तो ये कंज्यूम कर लेगा तो बचेगा कितना आठ वोल्ट और प्यारे बच्चों आठ वोल्ट जाएगा इसमें क्रॉस चेक करना है तुम चेक कर लो इसका रेजिस्टेंस है फोर ओम इसका करंट भी है टू एम्पियर मल्टीप्लाई करोगे आई आर तो आएगा आठ वोल्ट टोटल था 20 वोल्ट 12 वोल्ट ये ले गया 8 वोल्ट ये ले गया इस तरीके से प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कह रहे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल बहुत सिंपल है 1/r 1/r1 1/r2 तो बनेगा 1/3 ओम 1/6 ओम एलसीएम आएगा 6 ohm, टू प्लस वन यानी थ्री बाई सिक्स यानी वन बाई टू और ये वन बाई आर था इसलिए प्यारे बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ गई दो ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दो ओम और क्रॉस जरूर कर लेना कि ये ओम से भी छोटा होना चाहिए और छह से भी छोटा होना चाहिए और है ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों से ही छोटा होगा और सीरीज में जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों से ही बड़ा होगा आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये सिक्स ओम में ये टू ओ में ये सिक्स ओ में हमसे कह रहे हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस बता दो ये सिक्स और ये टू किसमें बेटा पैरल में है अगर ये पैरेलल में है तो 1/r 1/6 1/2 एलसीएम आ जाएगा 6 ये बनेगा 1 plus 3 ये बन जाएगा 4/6 क्योंकि ये 1/r के बराबर है तो r की वैल्यू आ गई 6/4 जिसका मतलब होता है 1.5 ओम मतलब इन दोनों की जगह अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस यूज करूंगा तो वो होगा 1.5 ओम और उसके साथ ये 6 वाला इन दोनों की जगह पहले आप एक सिंगल लगाओ सिंगल होगा इस तरीके से 1.5 पॉइंट ओम और उसके साथ ये 6 ओम लगा दो एक अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में सीरीज में और सीरीज में R1 प्लस R2 होता वन प्लस वैल्यू हो गई 7.5 और 7.5 जैसा ऑप्शन हमारा कौन सा है डी बोलो यार ये फॉर्म तो समझते होंगे मैथ्स में पढ़ा होगा आपने 7 इंटू टू करोगे तो 14 प्लस वन फिफ्टीन फिफ्टीन बाई टू यानी कि 7.5 क्लियर तो ये हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है वैसे सिंपल दिख रहा है ये ये ओम 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 इसका पैरेलल आएगा वो 3, 6 के साथ सीरीज में है है तो आंसर आ गया हमारा 9 ohm, लेकिन ये आप लोग का होमवर्क छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग जरूर करिएगा और आंसर मैच करिएगा कि आपका नाइन ओम आ रहा है या नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वन इज कट इंटू फाइव इक्वल पीसेस एक वायर है आर वन रेजिस्टेंस का पांच इक्वल पार्ट्स में तोड़ा तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा आर वन बाई फाइव आर वन बाई फाइव आर वन बाई फाइव आर वन बाई फाइव सबका आर वन बाई फाइव क्लियर दीज फाइव रेजिस्टेंसेज आर देन करेक्टेड इन पैरल इफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी आर टू देन आर वन बाई आर टू इज अच्छा जी पांच रेजिस्टेंसेज थे पांचों को पैरल में जोड़ा गया अच्छी बात है ये देखो पांचों को पैरल में जोड़ा गया और पांचों की वैल्यू थी आर वन बाई फाइव क्योंकि आपने एक वायर का पांच पार्ट किए तो पांच बराबर बराबर रेजिस्टेंस हो जाएंगे बेटा है ना तो आर वन बाई फाइव आर वन बाई फाइव आर वन बाई फाइव सबका तो इक्विवेलेंट क्योंकि आर टू है क्वेश्चन में कैन है इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर टू दो वन बाई आर टू

पांच रजिस्टर्स थे ना बेटा पांचों को पैरेलल में जोड़ा गया तो वन बाई आर वन बाई इस तरीके से जोड़ोगे तो बन जाएगा वन बाई is equal to, ये बनेगा पांचों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो बनेगा ट्वेंटी फाइव बाई आर वन हमको वैल्यू निकालना है आर वन बाई आर टू का तो आर वन को आप भेज दो इधर तो आर वन बाई आर टू आपका सीधे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इज टू वन के बराबर यानी कि ट्वेंटी फाइव के बराबर तो प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ डी ऑप्शन I think, आप लोगों को के 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 बारे 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 में, में में, में में और और समझ आ गया होगा। इस पर बेस जो छोटे-छोटे आते हैं वो समझ में आ गए होंगे अगली क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लाएंगे जहां पर और बढ़िया डिस्कशन हम लोग करेंगे मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर और लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा